नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार। आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने आज अवकाश की घोषणा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों कर्मचारी साथियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में जलदाय विभाग को राजस्थान जल प्रदाय व सिवरेज निगम में हस्तांतरित कर कर्मचारियों पर किए गए कुठाराघात हमले के विरोध में उपखंड बावड़ी के इंजीनियर व कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर रहे। प्रदेश में विभाग बचाने के लिए संघर्षरत हैं। इसी कड़ी में संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ही जलदाय विभाग द्वारा शुक्रवार को सामूहिक अवकाश व सोमवार से पैन डाउन टूल डाउन करने की घोषणा की है, जिसके लिए विभाग के समस्त कार्य ठप कर ऑफिसों के ताला नहीं खुलेंगे। साइटों के कार्य भी पूर्णतः बंद, यहाँ तक कि सभी गाँवों में जल योजनाओं के नलकूप ओपन वेल बंद हैं, जिससे उपखंड बावड़ी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई बंद होने से पीने के पानी की समस्या हुई, जिन्हें ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विभाग व कर्मचारियों के आगामी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ईमानदारी से संघर्ष समिति शुक्रवार को जिला कलेक्टर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। राज्य सरकार ने और राज्य की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी ने राज्य बजट के घोषणा में विभाग को कोऑपरेटिव निगम बनाने के खिलाफ में सभी कर्मचारी और विभाग का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उस अस्तित्व को बचाने के लिए विभाग के सभी इंजीनियर और कर्मचारी एक साथ आज सामूहिक अवकाश पर रहे और सोमवार से बैंड और हड़ताल पे चले जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा बजट में जलदाय विभाग को सीवरेज निगम में सौंपने के विरुद्ध पीएचडी के कर्मचारियों ने आज शुक्रवार को सामूहिक अवकाश रखा और प्रदर्शन किया जिला कलेक्टर के सामने, और आगे सभी जल योजनाएं बंद कर दी जाएगी, सोमवार को पूरा धरना दिया जाएगा।